आज हम बनाएंगे कोशा मांसो। नमस्कार, मौसमी की रसोई में आपका स्वागत है। हाय गाइस, तो आज मैं बनाऊंगी मटन। ओके, बहुत दिन मैंने नॉनवेज बहुत कुछ नहीं बनाया, तो आज बनाऊंगी मटन। तो चलिए आप लोग को मटन बनाना सिखाएंगे। जो मटन है ना बहुत बढ़िया होता है, लेकिन फ्रेश मटन हो तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेश मटन देखिए, आप उसको थोड़ा सा ग्रेवी, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के, ये तो एकदम बहुत बढ़िया खाने में होता है। तो बहुत लोगों को डिमांड है, जो मैडम आपने बहुत दिन से नॉन वेज नहीं बनाया, पहले लोग बोलते थे आप नॉन वेज बनाते हो, वेज नहीं बनाते हो, आप इतना वेज बना दिया, आप लोग बोल रहे कि नॉन वेज बहुत दिन से नहीं हुआ तो आप नॉन वेज बनाओ। तो अब मैं सोचा थोड़ा सा मटन और चिकन, ये दोनों प्रिपरेशन मैं बनाऊंगी। बाद में तो रेसिपी तो बहुत है, मटन चिकन बनाने के लिए बहुत रेसिपी है, फिशेज भी तो बहुत है, बनाऊंगी एक एक करके सब बनाऊंगी, आप लोगों को अपलोड भी करते जाऊंगी। तो आप लोग ट्राई कीजिए, मुझे मैसेज करके बताइए। बहुत लोग बनाया, मुझे मैसेज भी करते हैं बहुत अच्छा बनाया है, जैसे जैसे मैंने क्वांटिटी में दिया है वैसे ऐसे ही उन लोग भी बनाया, तो फीडबैक भी बहुत आते हैं कि बहुत अच्छा बना है। तो मुझे भी थोड़ा और एंथू मिलता है, जो थोड़ा कुछ और अच्छा बना के दिखाओ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, करके खुद पहले ट्राई करती हूँ, अच्छा बनता है तो फिर आप लोगों को भी वो वाला चीज़ सिखाऊंगी। तो चलिए आज मटन बनाते हैं। मटन बनाने के लिए चाहिए 2 प्याज, 8-10 लहसुन, 3 इंच टुकड़ा अदरक, इलायची 3 पीस, दालचीनी 3 पीस, लौंग 3 पीस, काली मिर्च 6 से 7 पीस, 1 टमाटर, 1 बड़ा सा आलू, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, बंगाली गरम मसाला पाउडर, नमक, चीनी, मटन एंड सरसों का तेल। और चाहिए 2 तेज पत्ता, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 हरी मिर्च, 2 सूखा लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो मटन लिया है और ये है करी कट, ये मिक्स मटन है, इसमें हड्डी भी रहेगा, और ऐसे ऐसे टुकड़ा मीडियम साइज का टुकड़ा बनाया और इसको धो के हल्का सा नमक लगा के मैंने सिंक रैप दे कवर करके इसको फ्रिज में मैंने रख दिया। मटन मसाला बनाने के लिए मैं मिक्सी में अदरक और लहसुन डाल देती हूँ और 1 प्याज को काट के इसमें मिक्सर में ग्राइंड करती हूँ। इसको अभी ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये जो छोटा प्याज लिया था, 2 प्याज लिया था, बड़े वाले को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, छोटे वाले को मैंने चॉप्ड करूंगी। ये गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया, मैं ये 2 प्रोसेस में करूंगी, थोड़ा कुकर में भी बाद में डालूंगी, पहले मैंने इसमें थोड़ा भून लेंगे। गैस ऑन कर दिया, अब इसमें मैं तेल डालूंगी, ये मस्टर्ड ऑयल मैं यूज कर रही हूँ। मैं 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यूज किया। अभी इसमें जो साबुत गरम मसाला है, मैंने ये इलायची को थोड़ा क्रश किया है, ये मैं डाल दूंगी, और 2 तेज पत्ता। अभी ये जो चॉप किया हुआ प्याज है ये भी डाल देती हूँ। उसको थोड़ा लाइट ब्राउन करके उसको भूनेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल दूंगी, इसमें एक कलर आ जाएगा। देखिए प्याज कैसे हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैंने इतना थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी लिया है, ये डाल दूंगी। देखिए तुरंत मैंने ये जो प्याज का जो पेस्ट बनाया था, अदरक लहसुन और प्याज का, ये मैं डाल देती हूँ। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए, हल्का लाइट ब्राउन भूनने के लिए, प्याज का जो स्मेल आता है वो चला जाएगा। और जो भूनने का काम है ना, मैं ये कढ़ाई में ही कर रही हूँ, बाद में मैंने
कुकर में आलू को भून के फ्राई करके फिर उसमें पूरा ये मटन डाल दूंगी, बिकॉज कढ़ाई में करने में काफ़ी टाइम लगेगा। मैंने ऐसे भी झटपट रेसिपी दिखाती हूँ आप लोगों को, तो कुकर में जल्दी हो जाएगा। थोड़ा हल्का सा प्रेशर देना है उसको। देखिए प्याज पूरा अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम हल्दी नमक सब डालेंगे। ये है हल्दी, मैंने एक चम्मच हल्दी डाला, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून डाला, नमक 1 टीस्पून से थोड़ा कम, आप स्वाद अनुसार दीजिए, तो मिक्स गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून। देखिए ये अच्छे से भूनने के बाद इसमें अभी हम मटन डाल देंगे। अब हम ये मटन इसमें डाल देंगे, इसमें भी हल्का सा नमक लगा के मैंने रख दिया था। थोड़ा सा भूनने के बाद हम टमाटर डालेंगे, टमाटर का पेस्ट। ये आप कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा सा ये स्टेयर करने में बहुत अच्छा होता है, थोड़ा फैला हुआ जगह है ना, कुकर में भी आप बना सकते हो। मैं लास्ट में इसमें कुकर में दूंगी, ये टमाटर का पेस्ट बना लूंगी। इसमें हम ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया ये हम डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ रहा है और पानी भी इसमें से छोड़ रही है। अच्छे से भून के तेल सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्टेयर करके फिर हम इसको धीमे आंच में लीड लगा के थोड़ी देर रख देंगे। ये हम बंगाली में बोलते हैं कोशा मीन्स भूना, अच्छे से इसको कसना पड़ेगा। ये देखिए कैसे पानी छोड़ रहा है मटन से, मसाला तेल से सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसको कुकर में ट्रांसफर करेंगे। फिर से इसको लीड लगा के हम रख देते हैं। ये देखिए कितने अच्छा कलर और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा आया है। नमक ठीक है कि नहीं थोड़ा सा चख लेती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा नमक देना पड़ेगा, बहुत कम। ये नमक मैंने 1/4 दे दिया। नमक ना आप अपने स्वाद अनुसार दीजिएगा, बिकॉज सबका अलग अलग टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट आ रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखते हैं कहाँ तक हो गया मटन भुनना। वाह बहुत अच्छा, इसका तेल से देखिए सेपरेट हो गया, ये जो देख रहे हैं ना सारे तेल से। अब मैं क्या करूंगी, इसको कुकर में शिफ्ट करूंगी, ऑन करके अभी कुकर चढ़ा देती हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी डालूंगी, घी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो तेल भी डाल सकते हो, तो मैंने घी डाल देती हूँ थोड़ा। ये आलू भूनना है हमको, तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैंने 2 तेजपत्ता और 2 सूखा मिर्च डाल दूंगी और 1 हरी मिर्च थोड़ा सा चीड़ के, नहीं तो ज्यादा मिर्च हो जाएगा, इसमें डाल देती हूँ। और 1 बड़ा आलू को मैंने 1/2 कर लिया है। अब ये आलू भी डाल देती हूँ। आलू को पहले भी फ्राई कर सकते थे ये कढ़ाई में, तो मैं कुकर में डालूंगी बोल के मैं सेपरेट थोड़ा फ्राई करके उसमें सारे मटन डाल दूंगी। अब देखिए उधर भी मेरा मटन हो गया है, अब इसमें मैंने ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन मैंने कड़ा में बना थी, थोड़ा भूनने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप डायरेक्ट कुकर में भी एक साथ भी बना सकते हो। ये देखिए बहुत अच्छे से भून गया है। टमाटर का पानी था ना वो मैंने इसमें यूज कर लूंगी, बिकॉज उसमें कलर भी आ जाएगा और क्यों इसको वेस्ट करूं, अच्छा सा इसमें बन जाएगा। ये थोड़ा सा हम थोड़ा हल्का गर्म कर लेंगे पानी को, फिर उसमें डाल देंगे। जितना तेल भी है इसके अंदर, देखिए आजकल सभी हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गया,
तो सब लोग ही चाहेंगे ज़्यादा तेल नहीं, थोड़ा सा कम तेल में बने, और मैंने इसलिए आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर सकती थी एकदम डीप फ्राई, लेकिन मैंने नहीं किया है बिकॉज हम लोग घर पे ही खाएंगे, तो आप लोग भी घर पे ही खाएंगे ना, तो उतना तेल देके बनाने का कुछ नहीं बनता है आजकल। कोई पार्टी वार्टी हो तो आप थोड़ा अच्छे से तेल डाल के बनाओ तो अच्छा है। खाने के लिए ये काफ़ी है। अब ये जो पानी है गर्म हो गया है तो मैं इसको डाल देती हूँ। अच्छा, इसको मैं हल्का प्रेशर दे दूंगी। अभी जो मैंने ये बंगाली गरम मसाला, ये मैंने लौंग इलायची और दालचीनी को एक साथ पीस लिया, ये थोड़ा हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे। तो बहुत अच्छा, एकदम लास्ट में डालना है इसको, थोड़ा अच्छा खुशबू आएगा। अब लीड बंद कर देती हूँ। फुल प्रेशर आने के बाद मुझे लगता है दो सीटी देने के बाद ही आप ये बंद कर दीजिए, तो बिकॉज फ्रेश मटन है तो बहुत जल्दी नरम हो जाता है, तो दो सीटी हो जाएगा तो तुरंत बंद कर दीजिए। धीरे धीरे ढक्कन ठंडा होने के बाद इसको खोलिए, गैस आप बंद करिए। अब धीरे धीरे ये ठंडा होके फिर आप इसको ओपन कीजिए। बन गया है कोशा मांसो। यह है आज का लंच हमारा, अरहर की दाल सुक्तो मांसो विद आलू एंड मिष्टी दही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरा ये रेसिपी कैसे लगे कमेंट्स में बताइए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।